दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक ऐसा तरीका जानने वाले हैं जिस तरीके को अगर आप अपनाएंगे, अमल में लाएंगे, तो जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, उलझन हो, अल्लाह तबारक व ताला सारी परेशानी, मुश्किल, उलझन को दूर कर देगा, ख़त्म कर देगा। करना क्या है आपको इस वीडियो में मालूम होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अब सुनिए मुकम्मल जानकारी। दोस्तों, आज जो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं तो इसमें आज़म के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, इसमें आज़म भी हम आपको लास्ट वीडियो में बताएंगे कि ये इसमें आज़म को पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा क्या क्या होगा। जी हाँ, सबसे पहले आप फ़ायदा सुन लीजिए कि इसमें आज़म को अगर आप पढ़ते हैं तो फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा गौर से सुनिए। जो इसमें आज़म हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बड़ी से बड़ी मुश्किलों को दूर कर देता है। अल्लाह ने चाहा तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी कि इसको आप पढ़ेंगे और वो मुश्किल आपके पास रह जाए, बाकी रहे, नहीं, बल्कि आप पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किल, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह की कुदरत पर पूरा विश्वास होनी चाहिए, पूरा यकीन होनी चाहिए, उसके बाद आप इसे पढ़ें। अल्लाह तबारक व ताला ही सबसे बड़ा मुश्किल कुशा है, वो सारी परेशानी को दूर करने वाला है। इसमें आज़म शरीफ के बारे में हदीसों में बेशुमार इरशाद मौजूद है और बुजुर्गाने दीन में भी इसमें आज़म को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाया था, तो उन्हें बेशुमार फ़ायदा हासिल हुआ है। आप भी अगर इसे यानी इसमें आज़म को रोज़ पढ़ने का मामूल बना ले, अपनी आदत बना ले, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़िंदगी भर सारी परेशानियों से, सारी मुसीबतों से, सारी उलझनों से बचे रहेंगे और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। इसमें आज़म कौन सा है आप ये स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें आज़म को आपको पढ़ना है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी निकलवा सकते हैं और अगर आप यहीं पढ़ना चाहें तो यहीं पे आप पढ़ सकते हैं। अरबी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसमें आज़म को दिया गया है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से जो लैंग्वेज में, जो भाषा में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, बेहतर है कि अरबी में पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। अगर अरबी पढ़ना नहीं जानते तो हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी इसमें आज़म को दिया गया है। अगर आप रोज़ाना इसे पढ़ने की आदत बना लेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व ताला आपकी सारी परेशानी को दूर कर देगा। और ये किस किताब में है? रूहानी इलाज, सफ़ा नंबर 160 और 161 पे इन तमाम बातों को जिक्र किया गया है। उम्मीद है कि इस खास और अहम अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि वो भी इस तरीके पर अमल करके फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम।